सबसे पहले विजय चौक का रुख कर लेते हैं और संजीव, क्योंकि आज की तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग होगी। आम जनता की उम्मीदें तो जाहिर तौर पर इस बजट से है, लेकिन राजनीतिक लिहाज से आज इस बजट की जो महत्वता है वो और बढ़ती नजर आ रही है। इससे पहले मोदी सरकार का बजट पिछले 10 साल हमने देखा, इस बार ये NDA सरकार का बजट है। क्या तस्वीर अलग हो सकती है, कितना फर्क आप देख पाएंगे या आम जनता? देखिए पूजा, आप गृहिणी हैं और जैसे गृहिणियाँ अपना बजट बनाती हैं और देश का जो बजट बनता है उसमें सैद्धांतिक रूप से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जितने आपके पास संसाधन हैं और उसका एलोकेशन आप कैसे करते हैं, दरअसल बजट की मूल भावना यही होती है। और ऐसे में जबकि ये दावा है NDA सरकार का कि पिछले 10 साल से हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर है, तो फिर इसका लाभ किन किन क्षेत्रों को मिलता है और ख़ासतौर पर वो लोग जो कि लाभ के इंतज़ार में हैं, हमारे देश में जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या करता है बजट, हमारे देश में जो युवा हैं बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं तो उस फ्रंट पर क्या किया जाता है, किसानों के बहुत सी मांगे हैं, आखिरकार सरकार उन मांगों में से कुछ को पूरा करती है या नहीं करती है, कॉर्पोरेट की बहुत सी मांगे हैं वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, और सबसे बड़ी बात जो आर्थिक सर्वे से सामने आई है कि जॉब्स को लेकर के सरकार में भी चिंता है। 78 लाख जॉब्स प्रति साल चाहिए हमारे देश को, जो कि नॉन फार्म सेक्टर में यानी कि गैर कृषि क्षेत्र में इतनी नौकरियां हर साल चाहिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था करने जा रही है सरकार? क्या सरकार फिस्कल प्रूडेंस यानी कि राजकोषीय घाटा के बारे में सोचेगी, या फिर वो संतुलित बजट बना करके अपने ऊपर ज़रा दबाव कम लेना चाहेगी? ये तमाम ऐसी चीज़ें होंगी। और साथ ही साथ हमारी आपकी जो सबसे बड़ी चिंता रहती है कि जो वेतनभोगी है उसको क्या आयकर में कुछ छूट मिलने वाली है, ये तमाम प्रश्न होंगे आज जब 11 बजे निर्मला सीतारमण अपना 7वां बजट और मोदी सरकार अपना 11वां बजट, और ये सब अपने आप में रिकॉर्ड होगा, लेकिन क्या प्रावधानों में भी कोई रिकॉर्ड बनने वाला है ये अपने आप में महत्वपूर्ण होगा देखना। बड़ा प्रश्न ये भी है कि कई राज्य हैं जो कि ज़बरदस्त बड़े मदद और इमदाद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और आपने बताया भी बिहार और आंध्र प्रदेश, खासतौर पर बिहार, जिसे लगातार ये लगता रहा है कई सालों से, दशकों से लगता रहा है कि वो उपयुक्त है कि उसे स्पेशल कैटेगरी मिले, लेकिन ऐसे में जबकि 14वें वित्त आयोग के बाद ये करीब करीब स्पष्ट हो गया कि अब किसी भी राज्य को स्पेशल स्टेटस नहीं मिलेगा, तो उसके बाद आखिर क्या दिया जाता है और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पा करके बिहार के लोग मानेंगे कि देखिए इस क्रूशियल मौके पर जब वो NDA सरकार का समर्थन कर रहे हैं नीतीश के 12 सांसद तो उन्हें कुछ रिटर्न मिला है। कल जवाब जब आया है वित्त राज्य मंत्री का तो बहुत से लोगों को नाउम्मीदी हुई है, क्योंकि अपने आप में जो विशेष राज्य का दर्जा होता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं होता है स्पेशल पैकेज, स्पेशल पैकेज की जो धारणा होती है और विशेष राज्य की जो धारणा होती है दोनों में बहुत असमानता है, दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। स्पेशल पैकेज आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वो जो प्रावधान स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए होती थी जो किसी ज़माने में दिया जाता था, असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर इसके उदाहरण रहे हैं, उस तरह की बात स्पेशल पैकेज में नहीं आती है। लेकिन आखिरकार जब मना कर दिया गया है तो क्या मिलता है बिहार को, और क्यों फोकस कर रहा है आंध्र प्रदेश लगातार केवल एलोकेशन के ऊपर? उसे हर मंत्रालय से कुछ ना कुछ अपने राज्य के लिए चाहिए, वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग नहीं कर रहा है। ये भी देखा जाएगा आज पूजा कि क्या ये जो विशेष राज्य का दर्जा है ये एक राजनीतिक मांग होकर रह गया है, और ख़ास तौर पर यह भी अपने आप में तय होगा कि नीति आयोग में आज जब बिहार के कई मंत्री शामिल हैं तो बिहार को दिया क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है आज की तारीख में कि जॉब्स, नौकरियाँ, उसके लिए क्या किया जाता है, MSME सेक्टर के लिए क्या किया जाता है जो जॉब्स के सृजन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मनरेगा के जो दिन हैं वो बढ़ाए जाएंगे, कहा यह भी जा रहा है कि OPS के ऊपर थोड़ी क्लैरिटी आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ सकती है। इन तमाम चीज़ों के साथ जब निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो देखा यही जाएगा कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है। तो आज बहुत ही हलचल भरा दिन रहने जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम राज्य इस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये सरकार जो कि अब बहुमत की सरकार नहीं है, अब गठबंधन की सरकार है, इसमें क्या सहयोगियों की सुनी जाती है या नहीं। पूजा बिल्कुल, और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये मोदी सरकार का नहीं, ये गठबंधन सरकार का बजट है।